हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी ट्यूब। आज की रेसिपी बहुत ज्यादा सिंपल है, टेस्टी है, जल्दी से बन भी जाती है। यदि आप ब्रेकफास्ट में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए जल्दी जल्दी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा टेस्टी कुरकुरा और जल्दी से बनने वाला नाश्ता। बहुत टेस्टी है ये और इसमें हमने कम इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं कि टेस्टी नाश्ता कैसे बना। और यदि आपको जल्दी से कोई स्नैक्स रेसिपी बनानी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने एक बोल लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े प्याज। इसको देखिए मैंने ऐसे लंबा चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और लास्ट में धनिया के पत्ते। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब सबको अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मैंने आधा कटोरी चावल का आटा लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे डालकर इस मिक्सर के साथ में मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसको डो फॉर्म में तैयार कर लेंगे। ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बस इतना कि ये सब आपस में बाइंड हो जाएं। देखिए हमने इसका डो बना लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और फिर से एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 चम्मच इसमें तेल डाला है और देखिए डो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप किसी भी शेप की टिक्की बना सकते हैं और देखिए इस तरीके से हम बाकी की टिक्कियां भी तैयार कर लेते हैं। हमने सारी टिक्कियां बना के तैयार कर लिए, तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें टिक्कियां डालने स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टिक्कियाँ एक साथ मत डालिएगा और अब हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। टिक्कियाँ देखिए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो रही हैं। थोड़ा सा फ्राई और करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए और क्रिस्प ना हो जाए, और उसके बाद में हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी करारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो चलिए आप बाकी की टिक्कियाँ भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में सर्व करेंगे। हमारा टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है, वो भी कम समय में तैयार हो जाता है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।